नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने इसकी 5.5 इंच लंबाई ले ली है। अब हमें सिंपल स्लीव कट कर लेना है। तो ये सिंपल स्लीव का निशान हम 3 इंच पर करेंगे। इस तरह से कर लिया, आप इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमें कट कर लेना है। उसके बाद अब इस तरह से कपड़ा लेना है। लंबाई इसकी 6 इंच ले लेनी है और नीचे से 6.5 इंच पर मार्क किया हमने, 6 इंच पर भी ले सकते हैं। उसके बाद डबल फोल्ड किया है कपड़े को, यहाँ पर 2 काट लगाएंगे जहाँ से मोड़ा हुआ है। अब इस पर हमें चुनटें बनानी हैं। 3 चुनटें इस तरफ देंगे, इस तरह देनी है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से 3 चुनटें इस पर डालनी है हमें। चुनट के लिए 9 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। 3-3 इंच पर की चुनट देंगे। 3 चुनटें हमने बनाई और इस तरह से देखिए यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। 3 चुनट इकट्ठे बनाई। अब इस वाली तरफ से भी 3 चुनट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है और यहाँ पर पकड़कर सिलाई लगा लेना है। अब इस वाली तरफ से देखिए ये कट हमने लगाया हुआ है, जो सेंटर लाइनिंग है। थोड़ा थोड़ा सा फैलाएंगे, थोड़ा सा फैलाते हुए 3 चुनटों को इस तरह से बनाना है। नीचे इकट्ठे करके सिलाई लगानी है, ऊपर फैलाकर हल्का सा फैलाना है, ज़्यादा नहीं। तीनों समझ में आती रहे इतना फैलाना है। देखिए इस तरह से हमने फैलाकर सिलाई लगा दी है। ये चुनटें प्लेटें आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, इस पर जितनी और ज़्यादा रखनी है तो वो कर सकते हैं। कपड़े पर डिपेंड करता है, अगर कपड़ा ज़्यादा आ रहा है ब्लाउज के पीस से लेते हैं तो कपड़ा भी, फिर साड़ी से लेते हैं साड़ी ब्लाउज से तो कपड़ा भी थोड़ा कम आ जाता है। तो अगर कपड़ा बढ़ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आप ज़्यादा प्लेटें डाल सकते हैं। अब इस तरह देखिए जो हमने ये सिंपल स्लीव लाइनिंग पर कट की थी उसको इस तरह से लगाना है। नीचे फैलाया हुआ है तो नीचे वाले कपड़े की देखिए इस तरह सिधाई नहीं आएगी, बढ़ेगा कपड़ा, इसलिए अब वहाँ से इसको रखते हुए हमने कट कर दिया है। अब ये बॉर्डर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बॉर्डर लगा देंगे। ऊपर वाला पार्ट तैयार किया, उसके बाद ये बॉर्डर इस पर इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए ये बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ से फोल्ड करेंगे इसको। यहाँ से देखिए अब ये फ्लावर इस तरह से छोटा छोटा सा डिजाइंस बना लेना है और इस तरह लगाना है। तो ये डिजाइन हमने कई बार बनाना बताया हुआ है, तो यहाँ पर बना कर लिया है। जो बैक नेक का डिजाइन पैटर्न इस ब्लाउज का तैयार किया है, उस पर भी ये डिजाइन हमने लगाई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक डिजाइन यहाँ लगाएंगे, उसके बाद नीचे पूरे पर लगाएंगे बॉर्डर पर, नीचे वाली साइड से पूरे पर अभी ये लगाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते हुए देखिए इस तरह से लगाएंगे। थोड़ा सिलाई में जो जाएगा उसमें छोड़ देंगे, तो आप फिटिंग का नाप लगा लें, फिर वहीं से ये डिजाइन में लगाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते हुए एक मोती इसके ऊपर रख कर लगा देंगे। पहले हाथ से सिलाई इस पर लगाएंगे, उसके बाद एक मोती रखते हुए इस पर मोती लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है। तो ये मोतियाँ पूरे पर लगा लेंगे। इस तरह हमने लगा लिया है। लगाने के बाद इस तरह से ये डिजाइन आएगा।